आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजन हार तू, सूरज चांद का सृजन हार तू, सूरज चांद का सृजन हार तू, सूरज चांद का सृजन हार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजन हार तू, पर्वत नदियों का सृजन हार तू, पर्वत नदियों का सृजन हार तू, पर्वत नदियों का सृजन हार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। साथ चलने वाला, राह दिखाने वाला, साथ चलने वाला, राह दिखाने वाला, साथ चलने वाला, राह दिखाने वाला, साथ चलने वाला, राह दिखाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो पिता तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो अब्बा तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो अब्बा तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो आत्मा तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया।
हालेलुया 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 सारे बोले हालेलुया 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 ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 मिलकर बोले हालेलुया 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 ताली बजाकर हालेलुया 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 ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो मिलकर बोले हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी एक मन से एक दिल से आराधना करें स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हम इस वक्त प्रभु की स्तुति करते रहें स्तुति की आराधना करते रहें प्रभु का स्वागत करते रहें राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर हमारे बीच में इस वक्त रोटी के रूप में पधार रहे हैं प्रभु जीवित ईश्वर जैसे हम आज सवेरे प्रभु का स्वागत किया है गधे के ऊपर सवार होकर प्रभु हमारे बीच में विनम्रता का पाठ पढ़ाते हुए अपना प्रस्तुति दिया है तो आज इस वक्त वो राजाओं का राजा इस वक्त और अपने आप को विनम्र बनाकर रोटी का रूप लेकर हमारे बीच में इस वक्त आ रहा है पधार रहे हैं हम प्रभु का स्वागत करें अपना वस्त्र नहीं अपना दिल देकर अपना दिल में प्रभु का स्वागत करेंगे मन में प्रभु का स्वागत करेंगे अपने आचरण में प्रभु का स्वागत करेंगे अपने सोच में ख्यालों में प्रभु का स्वागत करेंगे अपना रग रग में अपने धड़कन में अपने सांसों में अपने तकलीफ में अपने परेशानी में अपने बीमारियों में अपने संकट में कैंसर के तकलीफ हो या कोई गुर्दे के मरीज हो इस वक्त प्रार्थना करें यीशु मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु क्योंकि ये जब यीशु आ जाता है हालात बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है जिंदगी बदल जाता है जीवन बदल जाता है इसलिए आइए हम प्रभु का स्वागत करें सच्चे दिल से सब मिलकर आराधना करें आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना सारे घुटने हो यीशु सभी घुटने टेककर प्रार्थना आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आकाश धरती का सृजनहार तू आकाश धरती का सृजनहार तू आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो प्रभु की आराधना करे आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया सूरज चांद का सृजनहार तू 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 आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो पर्वत नदियों का सृजनहार तू पर्वत नदियों का सृजनहार तू आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना
हाथ उठाकर ताली बजाए, स्तुति हो, हाथ उठाकर ताली बजाए, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हल्लेलुया 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 उठाकर ताली बजाए हल्लेलुया 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 हाथ उठाकर ताली बजाए सब हाथ उठाकर ताली बजाएंगे जोर से हल्लेलुया 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 अंधा बोले हल्लेलुया 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 गुंगा बोले हल्लेलुया 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 बीमार बोले हल्लेलुया 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 बीमार बोले हल्लेलुया 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 दुखी बोले हल्लेलुया 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 रोगी बोले हल्लेलुया 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 रोगी बोले हल्लेलुया 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 पर्वत बोले हल्लेलुया 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 पहाड़ बोले हल्लेलुया 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 जंगल बोले हल्लेलुया 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 नदियां बोले हल्लेलुया 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 नदियां बोले हल्लेलुया 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 सागर बोले हल्लेलुया 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 Hallelujah! 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 जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार थाली बजा के प्रभु की स्तुति कर यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार ओ जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार ओ जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार ओ जय जयकार मुक्ति दाता जय जयकार जय जयकार जय जयकार मुक्ति दाता जय जयकार ओ जय जयकार शांति दाता जय जयकार जय जयकार सुधिकार सुधिकार शांति दाता जय जयकार ओ जय जयकार जीवन दाता जय जयकार जय जयकार सुधी आराधना कर महिमा कर जय जयकार ओ जय जयकार चंगाई दाता जय जयकार जय जयकार यस लॉर्ड चंगाई दाता जय जयकार ओ जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार ओ जय जयकार
यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो, कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो, कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो, कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो, हल्लेलुया, 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 हाथों पर हाथों को लहराते हुए, हल्लेलुया, 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 या हल्लेलुया, 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 यीशु 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 तेरी जय जयकार हो प्रभु, इस समय चिन्ह तथा चमत्कार तेरे नाम पर प्रकट हो जाए प्रभु यीशु, यीशु तेरे नाम पर बड़े से बड़े बीमारियां दूर हो जाए, नालिया नाइजा बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी, तेरे नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, तेरे नाम पर पवित्र आत्मा उतर आ जाए, हालेलुया, ओ बरा सुंदर बरा, हालेलुया, हालेलुया, होल इंडिया बी वॉश इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, होल इंडिया बी वॉश इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, होल इंडिया बी वॉश इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, हारा सारा भारत ये जो तेरे लहू से धुल जाए, रब पर लबा सुंदर लबा पूरे लल्ल पापा हार लल्ल सदा सुंदर लल्ल पर लल्ल बहा पूरे लल्ल पापा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा तुझको सामर्थ्य बल प्रदान करेगा, हालेलुया, 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 तेरे कमजोरियों को प्रभु दूर करेगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा, बल प्रदान करेगा, हालेलुया, 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 तेरी महिमा 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 महिमा, और गौरी गौरी आराधना हो, जय जयकार हो, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, होली स्पिरिट टेक ओवर, टेक ओवर, टेक चार्ज होली स्पिरिट, take charge of every life, everyone, every family, be blessed in the name of Jesus, hallelujah, every family be blessed, Lord, amen, hallelujah, 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 yes, it is, hallelujah, 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 hallelujah,
आराधना 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 प्रभु जी आराधना सब लोग आराधना समर्थ से आराधना प्रभु जी प्रभु के सामने अपने आप को माथा टेकते हुए जमीन तक शीश झुकाते हुए विनम्रता दिखाएं क्योंकि वो राज्य राजेश्वर है सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके सामने कोई भी दुष्ट शक्तियां नहीं टिकता है पूरा नरक कंप उठता है प्रभु के नाम के सामने ओ जीसस बीमारियां दूर भागता है अब दूध निकल जाता है चिल्ला चिल्ला कर भाग जाता है ओ जीसस वही यीशु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही हमारे बीच में इस रोटी के रूप में विद्यमान है आमेन आराधना 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 प्रभु जी से आराधना सब मिलकर आराधना अपना हृदय को देते हुए आराधना प्रभु जी सब कुछ चढ़ाते हुए बोलिए आराधना समर्पित करो आराधना अपने आप को आराधना प्रभु जी अपने अच्छाई और बुराई को देते हुए आराधना अपने परिवार को देते हुए आराधना सब मुश्किलों को देते हुए आराधना प्रभु जी तुम्हारे अपने बोझ को यीशु को देते हुए आराधना 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 प्रभु जी आराधना 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 प्रभु जी आराधना सब कुछ चढ़ाइए प्रभु को देते हुए यीशु को देखिए दोनों हथेलियों को खुले रखिए समर्पित करें क्यों बोझ लेकर चलते फिरते हो प्रभु कहते हैं तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो वह तुम्हें संभालेगा आमीन हालेलुया क्यों तुम अपने बोझों को लेकर घूमते हो प्रभु कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आमेन हालेलुया हालेलुया कोई आपको बुला रहा है फिर भी भोज लेकर क्यों चलते हो यस लॉर्ड समर्पित करो ना आराधना आराधना संपूर्ण हृदय से आराधना 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 संपूर्ण हृदय से आराधना 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 सब कुछ चढ़ाकर आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु सब कुछ चढ़ाकर आराधना यस लॉर्ड मेरे सारे दर्द को कमजोरियों को बीमारियों को मेरे हृदय की सारे व्यथाओं को दे देता हूँ प्रभु जो मैं दूसरों को सामने बता नहीं पाता है बयान नहीं कर सकता है मेरे आंसुओं को मैं आपको दे देता हूं प्रभु जी
मेरे सारे कमजोरियों को, मेरे सारे डर को, मेरी चिंताओं को मैं आपके चरणों में रख देता हूँ हमेशा के लिए. मुझे ये वापस नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि मैं आपके गोद में बैठने का फैसला ले लिया है. अब से तुम मेरी रक्षा करोगे, मुझे संभालोगे, मुझे यकीन है प्रभु. तेरे वचन पर मुझे पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन है प्रभु. मैं खुश हूँ, मैं संतृप्त हूँ प्रभु, क्योंकि तूने कहा तुम मुझ पर अपना भार छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा. क्योंकि प्रभु मेरे को जब ऐसा एक ईश्वर है, एक ऐसा पिता है जो मुझसे कहता है बेटा मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, तुम बेफिक्र पढ़ाई करो, पापा जागेंगे, पापा बुलाएंगे, पापा तुम्हें समय पर उठाएंगे. तो कितने भी समय पर बैठ कर प्रार्थना करो, पढ़ाई करो, फिर वो बच्चे को फिक्र नहीं है. तो इसी तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए जागता है, वो सोता नहीं है, वो छपकी नहीं लेगा, वो हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगा. हालेलुया. प्रभु का वचन स्तोत्र 121 वचन 6 और 7 में पढ़ते हैं, ना तो दिन में सूर्य से तुम्हें कोई हानि होगा, ना तो रात को चंद्रमा से. प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे, वह तुम्हारे साथ साथ चलेगा. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. अब और अनंत काल तक रहेगा. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो छाया की तरह तुम्हारा दाहिने रहता है. अब तो लाइट है, लाइट में भी शैडो है, छाया है. चाहे कहीं भी जाएंगे, हम हैं, हमारा शैडो भी है. तो याद रखना, जो शाला की तरह हमारा दाहिने रहता है. बोलिए आमेन. आमेन. अभी भी मेरे दाएं तरफ मेरे शाडो है. तो प्रभु कहता मैं दाएं तरफ, तुम शाडो की तरफ, छाए की तरह तुम्हारा दाहिना रहेंगे. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. और विशेष रूप से इसके पहले एक दो बात आपके सामने रखना चाहूंगा. देखो, यीशु चंगा करने वाला ईश्वर है. बोलिए आमेन. आमेन. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. हालेलुया. मेरे पीछे बोलिए, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है. उसके लिए एक शब्द काफी है. वो जो कहता है वही होता है. ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा. हालेलुया. ईश्वर जो कहता है वह पूरा होकर रहेगा. उसकी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता. यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा. हालेलुया. यीशु सवाल करता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता. क्या ये सवाल आपके सामने रखेगा, आपका उत्तर क्या होगा. दो अंधों से प्रभु ने पूछा. मत्ती का अध्याय 9 प्रसंग 27 28 और 29 में हम देखते हैं प्रभु अंधों से पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता. कि आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा. जी हाँ. जी हाँ. जी हाँ प्रभु कर सकता है. हालेलुया. हालेलुया. यीशु आप कर सकता है. आमेन. आमेन. बोलो यीशु आप कर सकते हैं. यीशु आप कर सकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. आपके लिए सब कुछ संभव है. आपके लिए सब कुछ संभव है. आमेन. आमेन. तो यीशु कहेगा कैंसर दूर होगा. बोलिए आमेन. आमेन. यीशु कहेगा एफ्राता तो खुल जाएगा. आमेन. आमेन. सारा बंधन खुलेगा. आमेन. आमेन. कान का बंधन खुलेगा, जुबान का बंधन खुलेगा, आंख का बंधन खुलेगा. तुम्हारे अब जो दुष्ट शक्तियों का सालों से तुम्हें बंद कर रखा है, वो सारा बंधन यीशु के नाम पर, उसके शब्द पर खुल जाएगा. बोलिए आमेन. ये फाता. हालेलुया. हालेलुया. खुल जाए. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मैं एक दो घटना आपके सामने रखना चाहूंगा जो बाइबल से ही है. बाइबल से प्यारे भाई और बहनों, पांच मार्कुस का अध्याय 5 में हम देखते हैं 25वां वचन से लेकर रक्तस्राव से पीड़ित एक औरत यीशु के बारे सुना और भीड़ के बीच में आकर यीशु के कपड़े को छुआ.
याद रखना उसके बारे लिखा है, वो अनेकों अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी उसकी बीमारी का कोई कमी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और बीमारी बढ़ता गया। और रक्तस्राव के बीमार लोग पब्लिक में नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये औरत ने यीशु के बारे सुना, क्योंकि उनके लिए सारा पैसा खर्च हो चुका था, कोई वैद्य नहीं रह गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी आशाएं उम्मीदें खत्म हो चुके थे। उस समय उसने यीशु के बारे सुना, आत्महत्या के बारे नहीं सोचा, सोचा होगा शायद जिंदगी को कभी खत्म करना सोचा होगा, क्योंकि उम्मीदें ही नहीं रह गया, अब मैं क्यों जीऊं, ना पैसा रह गया, ना वैद्य रह गया, ना रिश्तेदार रह गया, कोई पर विश्वास रखने वाला नहीं रह गया, अब मैं क्या करूं, सोचा होगा उसने, पर उसने यीशु के बारे सुना। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु के बारे सुना, पता है सुना सुना क्या होगा, उसने चंगा करने वाला यीशु के बारे, बोलिए आमीन। मुर्दे को जिंदा करने वाला यीशु के बारे, आमीन। कोढ़ियों को पल भर में कोढ़ साफ करके शुद्ध करने वाला यीशु के बारे सुना है उसने, हालेलुया। पानी के ऊपर चल कर जाने वाले यीशु के बारे सुना है, हालेलुया। अंधों को छू कर चंगा करने वाला, दृष्टि देने वाला यीशु के बारे उसने सुना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने मन में ही मन ही मन बोला, उसने विश्वास किया, अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले को भी छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे को सुसमाचार में बहुत अच्छा लगता है, एक भाग है, वो भीड़ में गई, यीशु के कपड़े को यू छू लिया, उसी क्षण यीशु से शक्ति निकली, हालेलुया, हालेलुया। The power came out of Jesus, हालेलुया, हालेलुया। Even without his knowledge, उसको मालूम ही नहीं पड़ा, इसलिए प्रभु ने पूछा, किसने मुझे छुआ है, Who touched me? पेत्रुस और पार्टी ने बोला, प्रभु चटनी जैसे आपको करने के लिए लोग आपको ऊपर गिरे पड़ते थे, इसके बीच में आप कैसे पूछ सकते किसने छुआ, क्योंकि मुझसे शक्ति निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई ऑलवेज आस्क, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ दैट वुमन्स टच एंड द पीपल हु वर रियली फॉलिंग ऑन जीसस। लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे, उस टच में और उस औरत के स्पर्श में क्या डिफरेंस रहा? सिर्फ इतना ही है प्यारे भाई और बहनों, इतना ही है। विश्वास, सब बोलते विश्वास, मगर मैं आपको कहता हूं, आखिरी आखिरी चांस था उसके लिए, उसके लिए आखिरी चांस था, अगर मैं, मेरे को कोई चंगा कर सकता है कि यीशु है, वो अगर इस भीड़ में से चलकर चले जाए, मैं किसका कहां पर उसको ढूंढूं, कहां पर उसकी खोज करूं। उस औरत डेस्परेट होकर आखिरी चांस के लिए यीशु के पास आए, इसलिए भीड़ में भी आने के लिए वो हिम्मत रखी, नहीं तो ऐसे औरत कभी भीड़ में नहीं जाती। लेकिन उसको पता चला, ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मेरा यीशु निकल गया तो मैं बीमारी रह जाऊंगी, इसलिए वो निकल कर आए। अगर आपके भी विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है, आज यीशु को भी पता नहीं चलेगा, आज शक्ति निकल आएंगे और आपके बीमारियां दूर हो जाएंगे, बोलिए आमेन, आमेन। हैव यू गॉट द करेज टू टच जीसस एंड ब्रिंग पावर आउट ऑफ जीसस? क्या आपके टच में दम है यीशु से शक्ति निकलवाने का? इसके ऊपर गिरे पड़ने से कुछ नहीं होता है, एक बार उसके कपड़े के फल्ले को भी छुएगा ना, आपको चंगा हो जाए, मतलब चंगाई मिल जाएगी, बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, 100% गारंटी है, आपका गारंटी होना चाहिए आपका चंगाई के लिए, फादर का नहीं, कोई सिस्टर का नहीं, कोई प्रचारक का नहीं है, पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में है आपकी चंगाई, द मिरेकल इज इन योर हैंड्स, से आमेन, आमेन, हालेलुया, द मिरेकल इज इन योर हैंड, हालेलुया, ऑन योर टंग, इन योर हार्ट। विश्वास के साथ बोल, अगर मैं अपने यीशु का नाम लेकर एक बार बुलाऊं, चाहे टीवी में देखता क्यों ना हो, मोबाइल में देखता क्यों ना हो, मेरा यीशु मेरा करीब है, उसको स्पर्श करो ना, हाथ बढ़ाकर, और दिल से कहो, अगर मैं उसको एक बार छू पाऊं, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो पल भर में चंगे होकर ही रहेगा, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने देखा है चमत्कारों को, ढेर सारा देखा है आंखों के सामने,
2014 में मुझे इंदौर में भी बाइबल महोत्सव में आने का मौका मिला. इसके तुरंत बाद में अंडमान निकोबार गया पूरा 10 दिनों के लिए फादर बेसिल जी के साथ, प्रार्थना भवन की टीम के साथ में पंजाब से गया. हम लोग 5 लोग गए, 2 सिस्टर लोग थे और फादर बेसिल जी और मैं और हमारा म्यूजिशियन दीपक. तो हम लोग गए वहाँ पर, 5 दिन में हमने कम से कम 7-8 जगह को कवर कर लिया. पहले ही जब हम रिट्रीट के ले गया एक अली में, वहाँ पर 16 साल से ये गले के यहाँ पर एक मुट्ठी जा सकता है, इतना बड़ा जो छेद है, ऐसा एक बंदे के मुख से आवाज़ निकला 16 साल के बाद, जो कैंसर के करके यहाँ पर छेद हो गया, उसके मुख से मैंने अपने कानों से उसके मुख से ये शब्द सुना है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी एग्जाजरेट करके बड़ा चढ़ाकर नहीं कर रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में बड़ा चढ़ाकर बोल के मुझे क्या मिलना है. आप हिस्ट्री बोल सकते हैं, अंडमान वालों को पूछ सकते हैं, क्योंकि गवाह है, सारा वीडियो बना चुका है, गवाह है. स्टेला मैरिज कैथीड्रल अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, उसका इतिहास के सबसे ज्यादा क्राउड वहां पर एकत्रित हुआ था लास्ट 4 दिन के लिए. तीसरे दिन लेकवा लोगों का के लिए प्रार्थना था और काफ़ी लकवा को लकवा भी मुझसे पीड़ित लोगों को लेकर आया था. उसमें से करीब 25-26 साल के गोरी सी लड़की, छोटी सी लगता है देखने में, उसको 3 लोगों ने लेकर आया. तो पहले हम लोग प्रार्थना से पहले सबको तेल देते थे, उसको बोलता है अब इस मालिश करो, उसके बाद प्रार्थना करके मतलब पूरे प्रोग्राम में बिठा देते थे. और हमने करीब 8,000 से ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादातर लोग खड़े होकर प्रार्थना सुन रहा था तीसरे और चौथे दिन में, क्योंकि कोई जगह नहीं था. करीब 3,000 लोग अंदर बैठ सकते हैं और मगर बगल में हॉल है उसमें बैठे हैं, पूरे ग्राउंड में खड़े थे, चर्च के बाहर खड़े थे, लोग वचन सुन रहे थे. मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा. लोग खड़े खड़े 8 घंटे खड़े खड़े वचन सुन रहे थे. इनके उत्साह को देखकर मैं क्या बताऊँ, क्योंकि लोगों ने चिन्ह तथा चमत्कार देखा, इसलिए लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए वहां पर. बोले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. तो इस लड़की मैंने हम लोग भी फास्टिंग करके भी प्रार्थना कर रहे थे कोई चमत्कार ऐसा देखने के लिए. तो क्या हुआ, फादर बेसिल जी और हम दोनों जन प्रार्थना कर रहे थे लोगों के पीछे से. रोगियों को हमने ऐसे कुर्सी पर बिठा दिया था और वहाँ के फादर वी जी परम प्रसाद लेके सामने से सब बीमारों के सामने आ रहा था. हम दो फादर्स पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखकर दुआ करते गए. हम एक बाबा जी के पास आए जो लकड़ी लेकर चलता था. फादर जी ने उसके लकड़ी लेकर ऐसा ही फेंक दिया, वो लकड़ी के बिना चलने लग गया. हालेलुया हालेलुया. वो लकड़ी के सहारे चलते थे. बोले आमीन आमीन. फिर भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ. हम इस लड़की के पास आया, ये लड़की तो उठने का कोशिश किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. ऐसे प्रार्थना समाप्त हुआ, 4:30 बजे वहाँ पर अंधेरा हो जाता इसलिए जल्दी प्रार्थना समाप्त किया. और नीचे से लोग जा रहे थे, ऊपर वाला रह गए थे, नीचे से आधा से ज़्यादा लोग निकल चुके थे. उस समय फादर भी चले गए थे, हम लोग बाकी सब वेदी पर गीत गा रहा था. आखिरी गीत जाते जाते अचानक एक आवाज आई, हमने देखा वो जो लड़की के बारे में कहा ना, वो खड़े हो गई. हालेलुया हालेलुया. वो चलने फिरने लगी. हालेलुया हालेलुया. मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे यहाँ से खून निकलना शुरू किया, इतना जोर से हमने चिल्लाकर स्तुति की, इतना जगह पर चिल्लाकर स्तुति की, पूरे लोग वहाँ पर खड़े रह के स्तुति करने लगे. क्योंकि एक हिंदू भाई जो फोटोग्राफर था, वीडियोग्राफर था, वीडियो बना रहा था, उसको कोई शादी में जाना था लेकिन वो शादी छोड़कर अगले दिन में पूरे परिवार को लेकर आया, क्योंकि उसके सामने ये हुआ है. उसने देखा शादी बाद में हो सकता है लेकिन क्या है, मेरे को यीशु को मिलना है. हालेलुया हालेलुया. ऐसे चमत्कारों को हमने देखा है. ऐसा नहीं, बाइबल में यीशु जिंदा है, आज यीशु जिंदा है. हालेलुया हालेलुया. वो यहाँ हाजिर है. हालेलुया हालेलुया. हाँ, इसलिए आज आपके सामने यीशु प्रस्तुत है. प्यारे भाई और बहनों, हाथ बढ़ाओ, छू लो तो पता चलेगा यीशु जिंदा है या नहीं है. बोलिए आमीन आमीन. हालेलुया हालेलुया. इसलिए खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पर. आपको मैं कहता हूँ, मार्था का विश्वास को यीशु ने पोलिश किया. मार्था ने यीशु में ईश्वर को पहचाना. मार्था ने यीशु के द्वारा ईश्वर की महिमा को देखा. बोलिए आमीन आमीन. मुर्दा लाजरस जिंदा होकर बाहर आ गया. बोलिए आमीन आमीन. हालेलुया हालेलुया. इससे बढ़कर क्या चमत्कार चाहिए आपको, इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए आपको.
इसलिए प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, विश्वास आपका होना चाहिए। प्रभु ने कहा, उस औरत से भी कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बोलिए आमीन। आज मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आपका विश्वास आपको चंगा करूंगा। मैं फादर सुमित जी से भी विनती करूंगा, वो वेदी पर आ जाए। हम फादर तो उन्होंने मिलकर आपके लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कोरोना से भी पीड़ित हो रहे हैं इन दिनों में, हमारे इस इंडोर में भी, हमारे बीच में भी, परिवारों में भी लोग बीमार हो रहा है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। सबको प्रार्थना की जरूरत है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं, अलग अलग निवेदनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हजारों निवेदन हमें मिलता आ रहा है, हजारों लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। मिस्सा में हमें अलग अनेकों के लिए हमने प्रार्थना की है, इसलिए इस वक्त हम दोनों पुरोहित मिलकर आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और पूरे इंडोर धर्म प्रांत और समस्त पुरोहितों को हम साथ मिलकर सबके पुरोहिताई अभिषेक को, पूरे कैथोलिक चर्च के संत पापा और समस्त पुरोहितगण के अभिषेक के साथ मिलकर हम अपने पुरोहितों को भी रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी रिट्रीट सेंटर्स है, जितने भी प्रार्थना सभा है, जितने जगह पर पवित्र यूकरिस्ट सेलिब्रेट किया जा रहा है, सभी सभी पवित्र मिस्सा बलिदान के योग्यता के साथ और सभी पुरोहिताई के अभिषेक के साथ, जितने भी प्रचार करते, जितने भी प्रार्थना करते, जितने भी मध्यस्थ प्रार्थना चलता है, उन सभी अभिषेक के साथ जोड़कर इसी वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। समस्त मानव जाति इस वक्त प्रार्थना करे, इस वक्त लेट अस प्रे फॉर ए ब्लड वॉश्ड इंडिया। हालेलुया, हालेलुया। हम पूरे प्रार्थना करे, इंडिया यीशु के लहू से धुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक एक स्टेट यीशु के लहू से धुल जाए। आमीन। चाहे वो किसी भी प्रकार के, पूरा उत्तर भारत यीशु के लहू से धुल जाए, पूरा मध्य भारत यीशु के लहू से धुल जाए, पूरा पूरब देश यीशु के लहू से धुल जाए, पूरे दक्षिण भारत यीशु के लहू से धुल जाए, पूरा पश्चिम भारत यीशु के लहू से धुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ यीशु के लहू से पूरा भारत देश धुल जाए। आमीन। हालेलुया, और भारत बच जाए। आमीन। इंडिया बी सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सामर्थ्य और शक्ति आज सबके घर में प्रवेश करेगा। प्रभु ने कहा, आप प्रभु यीशु में विश्वास करोगे, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आज इस वचन आपके लिए पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आज आप इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। बोलिए आमीन, आमीन। ये दो वचन है, प्रेरित 16:31 और लूकास 19:9। इसके अनंत योग्यता से सब परिवार के लिए मैं प्रार्थना करना जा रहा हूँ। संत जोसेफ और माता मरियम ने जैसे परिवार को पवित्र बनाया, इसी तरह आज जो वचन सुनकर जा रहे हैं उनके सबके परिवार यीशु के उपस्थिति से पवित्र किया जाए। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, सारे धर्म प्रांत पवित्र हो जाए। आमीन। सब धर्म प्रांत और धर्म अध्यक्ष पुरोहित गण, सभी समर्पित जन प्रभु की सेवा में ही लगे रह गए। हालेलुया, आपस में प्रेम में बने रहे। आमीन, हालेलुया। सभी पूरे हमारे भारत देश के सभी धर्म प्रांतों में प्रभु की अभिषेक इस वक्त प्राप्त हो जाए। आमीन। सभी धर्म प्रांत यीशु के लहू से धुल जाए। Be washed in the blood of Christ. Amen. All the dioceses in India. Amen. Be washed in the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All the bishops in India. All the bishops in India. Amen. Be washed in the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. All the priests in India. Amen. Be washed in the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. All the religious in India. Amen. Be washed in the blood of Jesus. Amen. All the faithful in India. Amen. All Indians. Amen. Be washed in the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 विश्वास कीजिए, जब यीशु का स्पर्श मिल जाता,
यीशु को आप छू लिया तो इतना चंगाई मिल जाते, तो यीशु आपको छुएगा तो क्या चंगाई का अनुभव होगा। बोलिए आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं इसलिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ फादर सुमित जी के साथ मिलकर। हे प्यारे अब्बा, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी कैंसर के लोगों के लिए, चाहे शरीर के किसी भी जगह पर कैंसर हो, यीशु हाथ बढ़ाइए, जहां कहीं भी दर्द हाथ रखिए, यीशु का हाथ समझो आप। बोलो प्रभु ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है, मुझे एक बार स्पर्श कर ले प्रभु। हाँ प्रभु, टच लॉर्ड जीसस, सिर पे हाथ रखिए प्रभु जी, सारा सिर दर्द दूर हो जाए, आंखों में स्पर्श कर दे प्रभु, सारा सिर दर्द आंखों का दर्द दूर कर दे, कानों को स्पर्श कर दीजिए और दांतों को स्पर्श कर लीजिए, जबान को स्पर्श कर लीजिए और टच एंड हील लॉर्ड, टच एंड हील लॉर्ड। प्रभु यीशु नाक को स्पर्श करे और प्रभु यीशु आप प्रभु जी होठों को स्पर्श करे, धोतलापन दूर हो जाए, स्पष्ट रूप से लोग बोलने लगे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मानसिक दबाव दूर हो जाए, मानसिक और मंदबुद्धि दूर हो जाए, सबके बुद्धि विकसित हो जाए प्रभु, प्रकाशित हो जाए प्रभु, पढ़ने की क्षमता आ जाए प्रभु। हालेलुया, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गले का तकलीफ यीशु तेरे नाम पर दूर हो जाए, गले के बंधन यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए, आमेन। कंधे की बीमारी दूर हो जाए, हड्डियों की बीमारी दूर हो जाए, यीशु स्पर्श कर, यीशु छू ले और इसी वक्त चंगा कर प्रभु। यीशु जब टच करेगा सब बदलेगा, यीशु आएगा सब कुछ बदलेगा। हालेलुया यीशु तेरे नाम पर हर हर एलर्जियां दूर हो जाए, फेफड़े को टच कर प्रभु, हार्ट को टच करें प्रभु, गुर्दे को टच करें प्रभु, लिवर को टच करें प्रभु, हाथ को टच करें प्रभु, और हेरनिया को टच करें, अपेंडिसाइटिस को टच करें, पीलिया दूर हो जाए, न्यूमोनिया दूर हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, हर प्रकार के गांठ दूर हो जाए, एवरी टाइप ऑफ ट्यूमर दूर हो जाए, गायनिक प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया। जो प्रभु गर्भपात में गांठ है यीशु तेरे नाम पर दूर हो जाए। जो बच्चे का प्रभु गर्भधारण नहीं हो पा रहा, यीशु के नाम पर सारा रुकावटें दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया। हड्डी हड्डियों में जोड़ जोड़ में तकलीफ, यीशु के नाम पर दूर हो जाए। यीशु सब आर्थराइटिस बीमारों को चंगा कर प्रभु, टच करे प्रभु यीशु। जिनके घुटनों में जोड़ों में तकलीफ, यीशु के नाम पर यीशु हाथ बढ़ाइए, चंगा कर। हालेलुया हालेलुया। सिर से लेके पांव तक के हर बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए, रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, स्पाइनल प्रॉब्लम दूर हो जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर विश्वास किया तो प्रभु के चंगाई आपके जीवन में इस वक्त आ चुके हैं, आमेन। हालेलुया हर प्रकार के आर्थिक समस्याओं से प्रभु चंगाई दे रहा है, नौकरी के टेंशन से प्रभु दूर कर रहा है, पढ़ाई के टेंशन से दूर कर रहा है, स्कूल कॉलेज चलाने वाला दुखी है, उनके समस्याएं प्रभु दूर करेगा। बोलिए आमेन। कोरोना महामारी से यीशु चंगाई दे रहा है, आमेन। हालेलुया। हर हर बीमारी से प्रभु चंगाई देगा, बोलिए आमेन। हर परिस्थिति में प्रभु आपकी रक्षा कर सकता है, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं इस वक्त धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को कबूल किया प्रभु, आमेन। क्योंकि प्रभु हमने यही प्रार्थना किया है, हमारे सामने अभी हमारे भाई बहन नहीं है ये सब हाँ करके बोलने के लिए, लेकिन प्रभु हमें विश्वास है, प्रभु हमें विश्वास है, तेरा वचन पहुंच गया है, आमीन। तेरा वचन ने उसको इस वक्त चंगा कर दिया है, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपके लिए कोई दूरी दूरी नहीं है, आमीन। हालेलुया हालेलुया। शतपति ने कहा प्रभु आप मेरे घर आने में योग्य नहीं हूं, आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाए, आमीन। जब प्रभु यीशु ने यहां से कहा घर में रहने वाला चंगे हो गया, हालेलुया हालेलुया। उस कानूनी स्त्री आया, वो कनानी स्त्री आकर बोला मेरी बेटी अब दूध से ग्रस्त है। प्रभु ने कहा नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी बेटी अच्छी हो गई है।
वो घर जाकर देखा उसकी बेटी अच्छी होगी थी। हालेलुया। आज प्रभु लोग जहां घर पे बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं तेरे वचन वहां पर पूरा हो गया है। हालेलुया। आइए एक बार हम सब खड़े हो जाएं उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। हम एक छोटा सा गीत गा के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हमारे शरीर और मन को हमने प्रभु के चरणों में रखा है और इस वक्त और सभी जो बातें हमने कहा है वो उस पर मोहर लगाने के लिए पवित्र आत्मा के रूह के शोले लपक लपक जब आएगा हर बंधन टूटेगा। इस गीत को हम एक बार गाकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करते हुए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। सब मिलकर ताल दोनों हाथ अपने सर पे रखो, दोनों हाथ अपने सिर पे रखे। इस वक्त कोयर इस गीत गाएगा तो जितने भी आपके लिए प्रार्थना की गई वो सारी प्रार्थना इस वक्त प्रभु प्रमाणित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे आएंगे बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे आएंगे बंधन सारे टूट के गिरते खुदावंद का तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक खुदावंद आ तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बारिश होगी धुल जाएंगे मेले मन के अंदर
जिसम और रूह में तू बस जा। हालेलुया 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 वो बरा संदर बबर लबर लबा वो लला जर जर बर बबर लबा वो सरा लला 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 वो सरा लला 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 वो सरा लला 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 ऑल ऑफ इंडिया ऑल ऑफ इंडिया सेंट्रल इंडिया नॉर्थन इंडिया बी अनॉइंटेड इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट डिसेंड अपॉन ऑल ऑफ इंडिया ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल ऑफ सेंट्रल इंडिया जबरा सुंदर अलवा हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 सारे घुटने टेके सारा घुटने टेकर पवित्र संस्कार की आशीर्वाद ग्रहण करे। इस वक्त तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद उतरे। Hallelujah, 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 जान जिस्म और रूह में तू बस जा। प्रभु को बोले प्रभु बस जाइए मुझ में, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तेरा मंदिर है, तू मुझ में निवास कीजिए, तू मुझ में निवास कीजिए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने कहा, क्योंकि तूने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और घोषित करता हूँ, और घोषित करता हूँ कि पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मेरे दिल में निवास करता है, मेरे दिल में निवास करता है हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन 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 आमीन। पवित्र परम पावन दिव्य संस्कार की आराधना हो सदा सर्वदा। पवित्र परम पावन दिव्य संस्कार की आराधना हो सदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे सभी महान कार्यों के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे सभी महान कार्यों के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे सभी महान कार्यों के लिए। मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया ही मुझे आगे चलाता। मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया ही मुझे आगे चलाता। गिनती नहीं कर सकूं
तेरे सभी दानों का वर्णन नहीं कर सकूं, तेरे महान कार्यों का गिनती नहीं कर सकूं, तेरे सभी दानों का वर्णन नहीं कर सकूं, तेरे महान कार्यों का धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे सभी महान कार्यों के लिए हो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे सभी महान कार्यों के लिए, मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया ही मुझे आगे चलाता। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय।